ठाकुर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बजट स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, वो भी अपने घर में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक माइक्रोफोन, जैसा कि आप मेरे पास यहाँ देख सकते हैं। इसका नाम है BM800 माइक्रोफोन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका एक स्टैंड चाहिए होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब आइटम्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको 700 तक का मिल जाएगा अमेजोन पर। एक पॉप फिल्टर, तो ये पॉप फिल्टर है, ये आपको 400 से 700 तक का मिल जाएगा। मैंने 5 कोर का ले रखा है, ये मैंने लिया था 600 तक का। यहाँ देखिए, ये है मेन चीज कंडेंसर माइक्रोफोन की, फैंटम पावर, ये आपको 3000 तक की मिल जाएगी। ये डबल माइक की फैंटम पावर है मेरे पास, आप सिंगल की भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसकी फैंटम पावर सप्लाई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा BM800 माइक्रोफोन। इसके साथ आपको एक शॉक माउंट मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा। इसमें आपको माइक लगाना है। इस शॉक माउंट को आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, जैसे स्टैंड में या कहीं और करना चाहें वहाँ भी फिट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा स्टैंड है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसे कसना होगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये शॉक माउंट कस चुका है। अब देखिए, हमारा माइक्रोफोन बिल्कुल फिट हो चुका है हमारे स्टैंड में। ये स्टैंड काफी अच्छा है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे अपने टेबल में, जैसा कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये हमारा स्टैंड है। ये देखिए कितना काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल स्टैंड है ये, इसकी रोटेटिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसे टाइट या ढीला कर सकते हैं या किसी भी पोजीशन में घुमा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टैंड के लिए, अगर आपको स्टैंड टाइट करना हो, अब मैं आपको बताता हूँ इसे कनेक्ट कैसे करना है फैंटम पावर से, और ये पॉप फिल्टर कैसे यूज़ करना है मैं आपको उसका बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीछे फैंटम पावर के, इसके लिए आप देखिए, ये इसकी पावर केबल। तो ये पावर केबल है, आपको उसके बैक में लगानी होगी। अगर आप कोई और फैंटम पावर परचेस करेंगे तो शायद उसमें कनेक्ट आए ऑलरेडी, बट इसमें एक्सटर्नली केबल दे रखी है। यहाँ इस स्विच को आपको पावर में लगाना है इसके। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने जो केबल है, XLR केबल है ये मैंने परचेस करी थी अलग से, ये अमेजोन से परचेस करी थी 600 तक की। ये आपको कितने की भी ले सकते हैं, 2000 तक की भी ले सकते हैं, और 200 से स्टार्ट है ये। ये थोड़ी अच्छी वाली लेना, इससे साउंड पे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वन साइड आपको इसकी माइक्रोफोन में लगानी है अपनी, दूसरी साइड आपको इसकी फैंटम पावर में लगानी है। ये देख सकते हैं पीछे फैंटम पावर के। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा केबल जो है कनेक्ट हो गई है। अब हमें एक केबल चाहिए जो XLR2 3.5 mm जैक की केबल जो लैपटॉप पे लगाते हैं। तो ये आपको माइक्रोफोन के साथ ही मिलेगी, ये वाला माइक्रोफोन है, अगर आप परचेस करेंगे अमेजोन से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके साथ आपको ये केबल मिलेगी। तो ये देख सकते हैं 3.5 mm का जैक, ये XLR है, आपको फैंटम पावर में लगानी है, और दूसरी केबल आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप में लगानी है। और जस्ट सिंपली जब आप इसे ऑन करेंगे तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये ऑन ऑफ का बटन है। गाइस, ये काफ़ी अच्छी फैंटम पावर है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर फैंटम पावर लें थोड़ी अच्छी लेना। ये पॉप फिल्टर है, इससे साउंड पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा पूरी साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, कि आप कैसे बेहतरीन तरीके से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आप ऑडियो एडिट कर सकते हैं। जब आप माइक परचेस करेंगे तो आपको ये इसके साथ में मिलेगा, ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा पॉप फिल्टर। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा सेटअप है साउंड का। ये जस्ट हमने सब कनेक्ट करा हुआ है ऑलरेडी। अब हमें बस अपने 3.5 mm जैक में लगाती, देखिए। अब देखिए, मैंने साउंड रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। अब जो भी रिकॉर्ड होगा वो मेरा माइक्रोफोन पे रिकॉर्डिंग होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा वो इसी से रिलेटेड लाऊंगा कि इसका साउंड कैसा है और कैसे आप अपने घर में ही होम स्टूडियो सेटअप करके उसमें गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है गाने रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।